हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि कई महिलाओं की क्वायरीज है इस चीज़ के ऊपर, और कई कॉमेंट आ रहे हैं कि मैम ऐसा होने से क्या ऐसा होता है क्या, पेट पर जो भारीपन होता है, कहा जाता है कि अगर जिस साइड में भारीपन हो तो उससे क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो आज ना मैं इस वीडियो में आपका जो डाउट है उसको भी क्लियर करने वाली हूँ और आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी जो भी सही होगी, और क्या क्या लक्षण होते हैं लड़के के, क्या क्या नहीं होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो को पहली बार आए अगर वीडियो पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पास में जो घंटी है ना उसको दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो शुरुआती टाइम से ही लेके आपको बहुत सारे आपकी बॉडी में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शुरुआती टाइम से जी मचलाना, ठीक है, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, आपका जब पेट धीरे धीरे बढ़ता है तो आपको स्क्रैच भी होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली सी भी होती है, आपके ब्रेस्ट बढ़ते हैं, आपके ब्रेस्ट में भी खुजली सी होती है, निपल्स काले होते हैं, हल्के हल्के दाने से निकल आते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो कि हार्मोन्स के चलते चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि हार्मोन्स अप डाउन होते रहते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये चीज़ें भी होती हैं। और कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी के ही सारे लक्षण होते हैं, उन्हीं में से एक लक्षण ये भी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि कई महिलाएँ बोल रही हैं कि लड़का होने का सिम्टम्स है। तो क्या ये सच में लड़का होने का सिम्टम्स है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सारे लक्षण होते हैं, और सारे लक्षण जितने भी लक्षण होते हैं कुछ हद तक ये लक्षण सही बैठ जाते हैं एकदम, मतलब किसी के साथ सही और सटीक बैठ जाते हैं। जैसे कुछ लक्षण मेरे साथ भी सही और सटीक बैठे थे, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया है कई वीडियो में, आप जाके पीछे मेरे बहुत पहले की वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। और आपको ना प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी केयर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैंने मेरा एक और चैनल है दिव्या हेल्पिंग गाइड, उस पर आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो दी गई हैं, तो वहाँ पे आप जरूर जाके चेकआउट करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और बाकी बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ये सारे लक्षण तो होते ही होते हैं, लेकिन पांचवा छठा जो महीना होता है बहुत ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि पांचवें छठे महीने में आपका जो बेबी है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और उस समय ना मूवमेंट कर छठे महीने में अगर मूवमेंट नहीं करता है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात होती है, क्योंकि उस समय मूवमेंट करना बहुत जरूरी, क्योंकि पांचवें छठे किसी किसी को तीसरे महीने में जो है बच्चा मूवमेंट करने लगता है, लेकिन अगर छठे महीने के बाद बच्चा जो है मूवमेंट ना करे तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका बेबी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो छठे महीने के बाद जब बच्चा मूवमेंट करने लगता है धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ती है, अब बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जब बच्चा बढ़ेगा तो पेट भी बढ़ेगा जाहिर सी बात है, और जब पेट बढ़ेगा अब बच्चा पूरे पेट में घूमेगा, ठीक है। तो जब बच्चा पूरे पेट पे घूमेगा तो बच्चा साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो आपको इस चीज से आप पता कैसे लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज लड़का होगा। कई एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम क्या जो लेफ्ट साइड में अगर बच्चा जो है नीचे की तरफ भारीपन लगे तो क्या लड़का होता है, या पेट में कहीं भी किसी भी हिस्से में भारीपन लगता है तो क्या लड़का होता है, इससे पता लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, पहले देखिए आपके पेट में बच्चा कहीं पे भी हो, ठीक है, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर कहीं पे भी या फिर बीच में, तो इससे आप ये तो बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि लड़का मतलब लड़का है या लड़की, क्योंकि देखिए अगर लड़की होगी वो भी पूरे पेट में घूमेगी, लड़का होगा वो भी पूरे पेट में घूमेगा। हाँ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग होना, ठीक है, क्योंकि इस चीज को ना साइंटिफिक भी कुछ ना कहीं मानते हैं इस चीज को, और एक रिसर्च के दौरान ये साबित भी हुआ है कि ये वोमिटिंग होने वाला जो सिम्टम्स है वो कई हद तक लड़के के टाइम पे होता है। लड़के के टाइम पे अगर वोमिटिंग, जैसे वोमिटिंग नहीं हो रही तो लड़का होता है और हो रही है तो लड़की होती है, कि ये कई हद तक साबित भी हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो होते हैं प्रेगनेंट
प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़के के, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, कुछ सिम्टम्स जो होते हैं कई महिलाएं अपनी तरफ से बना भी लेती हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन सिम्टम्स पे भरोसा करके कोई भी गलत डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये चीज़ को सोचिए कि बच्चा जो है आपका पेट, पेट जो है वो बच्चे का घर है, ठीक है। तो बच्चा पूरे पेट में कहीं भी घूमेगा, ठीक है। और बच्चा जब आपका आठवां नौवां महीना लग जाता है, उस वक्त तक बच्चा जो है आपका हेड डाउन पोजीशन पे आ जाता है ना, मतलब नीचे की तरफ। और बच्चा जब उल्टा होता है तो समझ लीजिए बच्चा, बच्चे का जो सर है वो ऊपर है और पैर जो है नीचे है, ठीक है। और बच्चा सही पोजीशन बच्चे की होती है कि बच्चा का सिर जो होता है वो नीचे की साइड होता है, आपकी योनि की साइड, और पैर जो होते हैं ऊपर की साइड। अब कई महिलाएं बोलती हैं कि मैम क्या हलचल बच्चा जब किक मारता है उससे पता लगा सकते हैं? तो देखिए, किक बच्चा जब नीचे की साइड होता है, जैसे कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ले ली है, और बच्चा जब ऊपर की साइड किक मारता है तो यानी कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ले ली है। लेकिन किक मारने से भी आप बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते कि बेटा होगा या बेटी होगी, क्योंकि बच्चा जब नीचे की साइड आ जाता है आपके, जैसे आठवां नौवां महीना लगता है, उस वक्त बच्चा आपका थोड़ा थोड़ा किक मारने लगता है। और बच्चा, पहली बात तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है उस समय, ठीक है, अच्छे से ग्रोथ हो चुकी होती है, लेकिन बच्चा जल्दी किक भी नहीं करता है, लेकिन जब करता है तो बहुत तेज से किक करता है। तो आपको उसकी जो किक है ऊपर की साइड महसूस होगी, ठीक है, आपकी नाभि के ऊपर की साइड। और जब बच्चा हेड डाउन नहीं किया होता है तो आपका जो कलेजा होता है ऊपर की साइड में, कलेजा जो होता है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे भारी भारी सा, आपको खाने का कुछ भी मन नहीं होगा, आपका पेट बहुत भारी भारी सा लगेगा। तो इससे आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे ने ना हेड डाउन अभी नहीं किया है, आपका बच्चा ऊपर की साइड है। कुछ महिलाओं को जलन की प्रॉब्लम भी होने लगती है, सीने में जलन वगैरह होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन जलन से या बच्चा ऊपर है या नीचे है इससे बिल्कुल भी नहीं पता लगा सकते। कई लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है बहुत नीचे की तरफ होता है, पेट के निचले हिस्से में, मतलब नाभि से नीचे तो लड़का होता है, ऊपर की तरफ होता है तो लड़की होती है। तो देखिए, बच्चा जो है आपका जैसे शुरुआती टाइम पे आपके कलेजे की साइड में होगा शुरू में, और जब आपका सातवां आठवां नौवां महीना लगने लगता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा नीचे को खिसकने लगता है, क्योंकि अपनी बॉडी को जो बच्चा है डिलीवरी के लिए तैयार करता है, तो बच्चा डिलीवरी के लिए नीचे की तरफ आने लगता है आपके पेल्विक एरिया की तरफ। तो इससे आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते अंदाजा कि लड़का होगा या लड़की, लड़की होगी तो भी वो आएगी और लड़का होगा तो भी वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, कई महिलाओं का जो है पेट नीचे की तरफ काफ़ी लेट होता है तो सिम्टम मान लेते हैं। तो देखिए, लेट इसलिए होता है, पहली प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा सा जो पेट है लेट नीचे को होता है, और दूसरी प्रेगनेंसी में जो होता है बच्चा बहुत जल्दी नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसलिए आप इन लक्षणों से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ लक्षण होते हैं जो मैंने कई वीडियो में शेयर करा, आप देख सकते हैं, जिनसे आप लगभग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये लक्षण से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।